श्री सवाई भोज महाराज की, सतवंती साधु मात की, श्री देव नारायण भगवान की। ऐसे बड़े सरल स्वभाव के, निर्मल स्वभाव के, सेवा भाव के गुर्जर कुल को मान बढ़ाने वाले राजा सवाई भोज और साडू गुजरी होली के त्योहार पे बड़े अपने गुरु और गोविंद के भजन में मस्त, हाथों से दान, पांव से धर्म का मार्ग, मुख से प्रभु श्री राम जी का नाम, श्री कृष्ण कन्हैया का नाम मस्त रहने लगे। इसी पीरियड में नारायण भगवान विचार करने लगे कि इनको मैं कैसे छलूं, ऐसा कैसा आदमी होगा जो दारू इतनी ढोली पाताल को फोड़ वार्षक देव के फण के ऊपर जाकर के गिरी। राजा इंद्र चार चार महीने बारिश करते, लेकिन जल की बूंद पाताल फोड़ नीचे नहीं जाती। ऐसा कौन आदमी? ऐसा कैसा है राजा सवाई भोज? अरे बार्षक देव ने भी हार मानी, आदि शक्ति गई जो आई तक नहीं, देवताओं से परामर्श में जाऊं छलने के लिए। वही नारायण भगवान जब आते हैं मृत्यु लोग में, पूरा कोढ़ीन का भेष बनाया है, शरीर पूरा कुष्ठ रोग से पीड़ित कर लिया, अंगों के ऊपर जो है माखियां भिनकने लगी, बड़ी बड़ी जटाएं सारे शरीर को कुष्ठ रोग में और राजा सवाई भोज को छलने के लिए चल देते हैं। और जिस समय ऐसा भयानक खतरनाक रूप बनाया भगवान नारायण ने राजा भोज को छलने के लिए, उस समय राजा सवाई भोज गाय चरा रहे थे अपने ही गांव के कांकड़ के ऊपर। उधर साधु गुजरी को घर पर मालूम पड़ता है कि भगवान छलने के लिए आए हैं, तो साधु गुजरी ने दूध घी पनीर छाछ इनके पात्र भर करके साडो गुजरी ने ड्रम के ड्रम भर करके जो है गड़गोठा के कांकड़ पर पहुंचा दिए। और जैसे ही परमात्मा छलने के लिए आए, राजा सवाई भोज ने दूध घी मक्खन पनीर से जो है भगवान नारायण को नहला दिए। ड्रम के ड्रम उठा करके
शरीर के ऊपर सिर के ऊपर कूदने लगे और एक बूंदी भी नीचे ना गिरने दी। उधर कूड़े सिर के ऊपर और 24 भाई नारायण के शरीर को चाटने लगे और ऐसे चाटने लगे जैसे गाय बछड़े को चाट रही है। उसी भाव से जब चाटने लगते हैं तो नारायण भगवान की चमड़ी चमड़ी तक चाट गए। प्रभु घबराने लगे। गजब का भाव है और वास्तविक ध्यान से सुनना, जब भी हम मंदिर में जाएं, कहीं कथा में जाए या किसी को किसी प्रकार का जो है कोई सा भी काम जब हम करें तो चाहे माताएं हो चाहे पिताएं, काम को बिल्कुल भाव से करें, क्योंकि भाव की इतनी बड़ी कीमत है। भाव में ही भगवान है। अगर हम मंदिर में भी जाएं या ध्यान भी करें पूजा भी करें तो बिल्कुल भाव को बिखेर करके ही करें, तब मजा आएंगे। आइए भाव से अपन भी दो नाम प्रभु जी का लिखते हैं। राम नाम बोलो मन हरे राम बोलो रे राम। भगवान